भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है, ना तो उनकी सरकार ने लोगों के वल्लभ भवन को कमीशन खोरी और वसूली का अड्डा बना दिया था। इन लोगों को हम प्रदेश के सभी बूथों पर एक्सपोज करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान के तहत झंडे के साथ गांव-गांव घर-घर में जाकर बताएंगे। हम सभी ने ये तय किया है कि अब की बार हम 200 सीट से ज़्यादा सीट लाएंगे और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जिन्हें बंटाधार कहा जाता है, ऐसे बंटाधारों से सीधे सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि मिस्टर बंटाधार ने पूरे प्रदेश को धरातल पर पहुंचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह के साथ तय किया है कि अब की बार 200 पार और मिस्टर बंटाधार से आर पार। अब इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार का युग जो 2003 की याद दिलाता है, और 15 महीने के अंदर श्रीमान कमलनाथ ने जो कमीशन नाथ के तौर पर जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश में रही और इस पूरे मध्य प्रदेश को जिन्होंने लूटने का काम किया, वल्लभ भवन को जिन्होंने कमीशन खोरी का और वसूली का जो अड्डा बनाया था, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 64,000 बूथों पर इन्हें एक्सपोज करने का काम करेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान चलाया गया है, उस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विकास के मुद्दे पर जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हुआ है और विकास में नए माइलस्टोन खड़े किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हम देखते हैं कि वो 2003 का मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में एक दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज विकसित मध्य प्रदेश बनाया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।